आप देख रहे हैं माई क्रिकेट बड़ी। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फास्ट बॉलर के ऊपर होने वाला है। हालांकि टाइटल तो आपने देख ही लिया कि भाई सीम पोजीशन पे बॉल कैसे लैंड करा है, और अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आप जानते हो कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी ट्रेनिंग लगती है, और काफी मुश्किल भी है कि सीम पे बॉल लैंड करा सके। तो अगर मान लो सीम पे लैंड करा दिया ना तो काफी मूवमेंट मिल सकती है, फिर अगर आप उसके बाद अगर आप स्विंग सीखने जाते हो तो स्विंग के लिए भी काफी अच्छी हेल्पफुल होती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या चले कि वो ड्रिल हम घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज बेसिकली इंडियन जुगाड़ का पार्ट टू है, जो कि आपको क्या चाहिए, आज के वीडियो में आपको चाहिए होंगे रबर बैंड, या मेरे हाथ में देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ रबर बैंड्स है। तो आप कम से कम 3-4 रबर बैंड ले सकते हो, 2-4 रबर बैंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं तो आपके पास हो तो अच्छा। अगर देखो मान लो कि अगर रबर बैंड नहीं है तो क्या करें घर में, तो देखो भाई ये सीरीज इंडियन जुगाड़ के ऊपर है, ठीक है। तो अगर रबर बैंड नहीं है तो आपके पास सेलो टेप जरूर होगा, तो सेलो टेप का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपको 2-4 रबर बैंड अपने जो जिस फिंगर यानी कि जिस हाथ में आप बॉल को ग्रिप करते हो तो उसमें आपको रबर बैंड भरा है। तो मैं एक में फटाफट फिट कर देता हूँ, फिर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से करना है आपको। तो मैं यहाँ पे 3 रबर बैंड यूज़ करने वाला हूँ, तो आप चाहे तो 4 भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें कई बार अगर मान लो कि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो कई बार आप ब्रेक भी ले सकते हो कि भाई 30 बॉल डाले फिर रबर बैंड निकाल लिए फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस डाले, तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, तो ये एक बार आप देख लो कि मैंने किस हिसाब से लगाया है, तो आपको आइडिया आ रहा होगा। आप देख पा रहे हो वहाँ कहाँ से बोलो मैं, ठीक है चलो आई एम श्योर आप पता चल गया होगा। तो अगर नहीं है तो सेलो टेप का भी यूज़ आप कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखो ये रबर बैंड लगाने क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये फिंगर है ना थोड़ी मुड़ जाती है या फिर कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए अगर रबर बैंड यूज़ करोगे तो आपके फिंगर्स एकदम स्ट्रेट रहेगी। तो आपको करना क्या, आपको मान लो जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे नॉर्मली बैठ जाना है, तो अगर मान लो कि आप बॉल के साथ भी कर सकते हो तो ये मेरा डिस्टेंस काफ़ी कम है, लेकिन जितना लंबा होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ट्राई ये नहीं करने कि डायरेक्ट बॉल पे मारे, ठीक है, हमको सिर्फ क्या करना है रिलीज अच्छे से करना है। तो बस आपको ग्रिप कर लेना है, होल्ड करना है, तो बस इस तरह से। आई एम श्योर शायद आप देख पा रहे होंगे कि बॉल कितना अच्छे सीट पर जा रहा है, तो लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है और ये ड्रिल काफ़ी इफेक्टिव है उसके लिए। तो आप कम से कम 100 बॉल 200 बॉल तक डाल सकते हो, क्योंकि अभी तो आप घर पे बैठे तो ये आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये थी पहली पोजीशन बॉल यहाँ पे बॉलिंग करने की। फिर दूसरी पोजीशन है जो कि अपर बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है और फिर आपको ग्रिप ले लेनी है, तो डालना है। और मेक श्योर ऐसा डालने में ये सोचना नहीं है कि भाई ज़्यादा तेज डालना है या फिर एकदम मतलब डायरेक्ट बॉल पे टच होना चाहिए, वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि बॉल एकदम प्रॉपर सीम पोजीशन में लैंड हो और सीम में बॉल निकले, ठीक है। तो उसके ऊपर ऑब्जर्व करना है, वही चीज़ आपको ध्यान देनी है इस ड्रिल के अंदर। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, वाह, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आपको रबर बैंड चाहिए या फिर सेलो टेप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे कहीं पे बटन आ रहा होगा, गुस्से से कितना लाल हो चुका है, तो अगर आप एक क्लिक कर दो तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो फटाफट क्लिक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।